प्री अप्रूव्ड होता है और बैंक पर निर्भर करता है। आमतौर पर बैंक ईएमआई स्कीम देते हैं, इससे आपको कर्ज चुकाने को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। बलवंत जैन कहते हैं ईएमआई स्कीम में मासिक किश्तें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर अगर एक बार में सारे पैसे चुका दिए जाए तो कोई चार्ज नहीं लगता, नहीं तो मिनिमम पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। जैन कहते हैं कि मिनिमम पेमेंट का विकल्प सहूलियत तो देता है पर इस पर ब्याज ज़्यादा लग जाता है। क्रेडिट कार्ड के बदले लोन पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड से आपका लेन देन कैसा है। आप कम क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं और समय पर उसका भुगतान कर देते हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं क्रेडिट कार्ड के बदले लोन देना पसंद करती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे क्रेडिट हिस्ट्री का होना। इसके अलावा आपकी रीपेमेंट की हिस्ट्री कैसी है यह भी मायने रखता है। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं भरसक कोशिश की जाए कि क्रेडिट कार्ड पर लोन ना लेना पड़े, क्योंकि इस पर लगने वाला ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड पर लोन के अलावा भी कई विकल्प हैं जो आजमाने चाहिए। क्रेडिट कार्ड के बदले मिलने वाले लोन राशि को बैंक आपके बचत खाते में भेज देते हैं। हालांकि अगर ग्राहक के पास बचत खाता नहीं है तो ऐसी स्थिति में पैसा इन्फिनाइट या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। लोन वाले राशि को खाता धारक के खाते में भेजने में 7 दिन का समय लगता है। हालांकि इसे 7 दिन के भीतर कभी भी भेजा जा सकता है, जबकि अगर इसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भेजा जाए तो इसमें 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। बैंक लोन लेने के पहले ग्राहकों के बारे में कुछ सूचनाएं जुटाते हैं, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, क्रेडिट कार्ड के प्रकार, लोन रिक्वेस्ट कब की गई थी। हालांकि बैंकों की ओर से की जाने वाली पूछताछ बैंकों में अलग अलग हो सकती है।